हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिखा भारद्वाज। अपने चैनल में आप सभी का वेलकम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आंवला गुणों का भंडार होता है और विटामिन सी से भरपूर होता है, तो हमें इसे जरूर खाना चाहिए। तो आज हम बनाएंगे इसका इंस्टेंट आंवले का अचार। और इसको आपको ना धूप लगाने की जरूरत है, ना सुखाने की जरूरत है। मात्र 10 मिनट में हम बेहद स्वादिष्ट आंवले का अचार बनाएंगे। तो आइए बना लेते हैं बेहद आसानी से आंवले का अचार। ये फ्रेंड्स, बना लेते हैं आंवले का इंस्टेंट अचार, जिसे हम बस 10 मिनट में बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, आंवले बहुत ही फायदेमंद होते हैं। आजकल मार्केट में बहुत ही अच्छे आंवले आ रहे हैं और इसमें विटामिन सी है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, तो हमें ये जरूर खाने चाहिए। लेकिन कच्चे इस तरह से खाए नहीं जाते। तो आज इसका हम अचार बनाएंगे, इंस्टेंट अचार बनाएंगे, जो कि बहुत ही जल्दी बन जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर है 500 ग्राम आंवले और साथ में हम लेंगे कुछ मसाले। अब देख लेते हैं अचार के मसाले। तो बहुत ही थोड़े से मसालों के साथ हम बहुत टेस्टी अचार बनाएंगे। मैंने यहाँ पे लिया है 2 टेबलस्पून मस्टर्ड सीड्स, यानी कि 2 टेबलस्पून है 2 बड़ी चम्मच सरसों के दाने हैं, और 2 टेबलस्पून है जीरा, यानी कि क्यूमिन सीड्स है, ये भी हम लेंगे 2 बड़ी चम्मच, और 1 छोटी चम्मच यानी कि 1 टीस्पून है फेनुग्रीक सीड्स, यानी कि मेथी के दाने हैं 1 टीस्पून, और कुछ रेड चिलीज है 12 से 15। तो इनसे कलर अच्छा आएगा अचार में और अच्छा फ्लेवर भी आएगा। और साथ में हम लेंगे 1 टेबलस्पून हल्दी, सॉल्ट लेंगे हम 5 टेबलस्पून, नमक लेंगे, और तेल लिया है मैंने सरसों का तेल, यानी कि मस्टर्ड ऑयल मैंने लिया है 3 टेबलस्पून। और अगर आप चाहें तो आप किसी और ऑयल में बना सकते हैं, वैसे इस तेल में अचार बहुत टेस्टी बनता है। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे पानी रखा है बॉइल होने के लिए। हम पानी में अपने आंवले डाल देते हैं। हमें ये बॉइल करना है, हल्का सा बॉइल करेंगे बस 5 मिनट के लिए, ताकि इसका सीड्स आराम से निकल सके। और पानी इतना ही होना चाहिए कि हमारे आंवले डूब जाएं, बहुत सारा पानी नहीं ऐड करेंगे इसमें, और बस 5 मिनट के लिए ही बॉईल करना है इसे। आंवले बॉईल हो रहे हैं, हम एक मिक्सी का जार लेंगे, इसमें ऐड कर देते हैं अपनी लाल मिर्चे, और इसमें ही ऐड कर देंगे अपने मस्टर्ड सीड्स। 2 टेबलस्पून लिए थे हमने, मस्टर्ड सीड्स भी डाल देंगे इसमें, और इसी में ऐड कर देंगे अपना जीरा, ये भी 2 टेबलस्पून था, यानी कि हमारी क्यूमिन सीड्स, और हमारा 1 टीस्पून मेथी यानी कि फेनुग्रीक सीड्स है, इन्हें भी ऐड कर देंगे इसमें। अब इन सबको हमें पीसना है। पीस लेते हैं, लेकिन हमें इन्हें दरदरा पीसना है, मोटा मोटा, बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाना है इसका। तो मैं पहले पीस लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। हमने अपने मसालों को पीस लिया है, साबुत लाल मिर्च, मेथी, जीरा और हमारे सरसों के दाने, हमने इनको मोटा मोटा पीसा है, दरदरा, यानी कि हमने इसका बारीक पाउडर नहीं बनाया है। आप देख सकते हैं हल्का सा मोटा मोटा पीसना है इसे। तो अभी सिर्फ देंगे हम साइड पे और हम अपने आंवले चेक कर लेते हैं। आंवलों को 5 से 10 मिनट बॉइल किया था, अब चेक कर लेते हैं। तो इस तरह देखेंगे हम नाइफ से, हमारा नाइफ एकदम अंदर जा रहा है आराम से, बस इतना ही बॉइल करना है इन्हें, बहुत सॉफ्ट नहीं करना है, नहीं तो हमारा अचार अच्छा नहीं बनेगा। और इस तरह चेक कर सकते हैं आप, एक आंवला लीजिए और इसको हल्का सा प्रेस कीजिए, और अगर खुल रहा है इस तरह से, इसकी फांके अलग हो रही हैं, तो बस तैयार है ये, इसको और बॉईल नहीं करना है हमें। इन्हें हम छान लेते हैं, पानी में से निकाल लेते हैं। तो हमने अपने आंवलों को निकाल लिया है पानी में से छान के, और आप देख सकते हैं इनको प्रेस करते ही ये खुल रहे हैं इस तरह से। हमें इसको चाकू से कट करने की जरूरत भी नहीं है, इसी तरह से हम आराम से इसे, इसकी फांके अलग अलग हो जाएंगी, और ये जो सीड्स हैं इसके गुठली, ये निकाल देंगे हम। तो इस तरह से हम बस हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये खुल जाएगा इस तरह से। तो इतना ही बॉईल करना है हमें, ताकि इसको आराम से सीड्स निकाल सकें। बहुत सॉफ्ट नहीं करिएगा, नहीं तो अचार आपका टेस्टी नहीं बनेगा। ये देखिए, बड़े आराम से इसकी सब गुठली निकल जाएंगी, बस इसको प्रेस करके इस तरह से हम निकालते जाएंगे सारी गुठली। तो मैं सारी आंवलों को इस तरह से इनकी फांके निकाल लेती हूँ और इनकी गुठलियां अलग कर देती हूँ। लीजिए, इस तरह से हम अपने सारे आंवलों को खोल लेंगे और इनकी फांके अलग अलग कर लेंगे हाथ से इस तरह से, और गुठली जिसका सीड है ये निकाल देंगे। ये लीजिए, इस तरह से ये हमने तैयार कर लिए सारे आंवले अपने। तो देखिए, आंवले का तो हम बना लेंगे अचार, और जो पानी है जिसमें हमने आंवले बॉईल किए थे, इसमें आंवले के बहुत सारे गुण हैं, तो इसे फेंकिएगा नहीं। आप चाहें तो इसे इस तरह से, जैसे मैं तो इसको पी लूंगी इस तरह से ग्लास में लेके, और हल्का सा गर्म करके आंवले के सूप की तरह पी लूंगी मैं इसे, या फिर आप इसे ठंडा करके इसमें चीनी मिक्स कर लीजिए और शरबत बना के पी सकते हैं, या फिर
आप दाल में यूज कर लीजिए या फिर इसे आटा गूंद लीजिए, क्योंकि बहुत ही फायदेमंद है ये, इसे फेंकेगा नहीं। आंवले तैयार कर लिए हैं, तो अब हम अपना तेल गरम कर लेते हैं। 3 टेबलस्पून तेल ले रही हूँ मैं सरसों का, अगर आप चाहें तो आप कोई और ऑयल ले सकते हैं यहाँ पर। वैसे इस तेल में अचार बहुत टेस्टी बनता है, तो इसे गर्म कर लूंगी अच्छी तरह से मैं, फिर गैस बंद कर दूंगी बस। सरसों का तेल यूज कर रहे हैं तो इसे एक बार तेज गर्म करना जरूरी होता है इसकी स्मेल निकालने के लिए। और फिर मैंने गैस ऑफ कर दी है, थोड़ा ठंडा हो गया है ये। और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ अपने मसाले। तो मैं ऐड करूंगी पहले 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, और बस इसके बाद ही फौरन ऐड कर देंगे हम अपने मसाले जो हमने दरदरे पीसे हुए थे। तो इसमें हमने 2 टेबलस्पून जीरा लिया था, 2 टेबलस्पून मस्टर्ड सीड्स लिए थे हमने, और हमने 1 टीस्पून लिया था मेथी सीड्स, और साबुत लाल मिर्ची ली थी मैंने। डाल देते हैं इसे। मिक्स कर लेंगे इन्हें। और बस अब इसमें ऐड कर देते हैं अपने आंवले जो हमने तैयार किए हुए हैं इस तरह से। गैस हमने ऑफ की हुई है इस समय। और साथ ही ऐड कर देंगे नमक। नमक हमने लिया था 5 टेबलस्पून। इसे मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। बस इसे मिक्स करते ही हमारा अचार तैयार हो गया। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी हमने अपना अचार बना लिया है, और बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है, और अच्छी खुशबू भी आ रही है इसमें। और मैंने इसमें साबुत लाल मिर्च यूज की थी, और अगर आप चाहें तो आप उसकी जगह पर 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर यूज कर सकते हैं। तो आइए इसे सर्व कर लेते हैं। इसे तैयार हो गया है हमारा बहुत ही टेस्टी और चटपटा आंवले का अचार, और इसे आप फ्रिज में रखकर कम से कम 1 मंथ तक यूज कर सकते हैं। अगर बाहर रखेंगे तो भी ये 2 हफ्ते तक खराब नहीं होगा। जरूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, और अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन दिया है उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हर बार मिल जाए। मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे किसी नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया।